एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। आज हम जानेंगे परमेश्वर क्या है। परमेश्वर आत्मा है। बाइबल में परमेश्वर के विषय में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु मैं केवल चार बातों की ओर ध्यान केंद्रित करूंगी। पहला बात, बाइबल इस बात की घोषणा करती है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना के शुभ समाचार में याकूब के कुएं पर यीशु एक महिला से बातें कर रहा है। परमेश्वर के विषय में वह एक विश्वसनीय कथन प्रस्तुत करता है, परमेश्वर आत्मा है। तुरंत आप बादलों जैसी भाव की कल्पना करने लगते हैं, परंतु यह परमेश्वर की तस्वीर नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, तो आप पहले यीशु के उन वचनों को जानिए जो यीशु पुनरुत्थान के बाद थोमा से कहे थे, आओ और मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा तुम मुझ में देखते हो। तब आप जान जाते हैं कि आत्मा आध्यात्मिक होता है। दूसरे शब्दों में वह शरीर है। आत्मा शरीर का प्रतिकूल है। आत्मा कुछ ऐसा है जो शरीर की सीमा में नहीं। आत्मा को शरीर के जैसा पहना नहीं जा सकता। आत्मा शरीर के जैसा बदल नहीं सकता। बाइबल इस बात की घोषणा करती है कि परमेश्वर आत्मा है। वह शरीर के जैसा सीमित नहीं, वह आकार की सीमा में नहीं, वह शक्ति की सीमा में नहीं, वह भौतिक सीमाओं में नहीं। उसे कभी भी आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आंखों की सीमा केवल भौतिक चीजों को देखने की है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं। वह हर स्थान पर किसी भी समय रह सकता है। हजारों लोग आज परमेश्वर को अपनी कल्पनाओं के अनुसार एक न एक सीमा में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वह नहीं जानते कि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसकी दया की कोई सीमा नहीं। यह तीन शब्द परमेश्वर का वर्णन करते हैं। वह असीमित है, शरीर में बांधा नहीं, उसका न आदि है न अंत, वह हमेशा से जीवित है। बाइबल घोषणा करती है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। लोग बदल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं, अवस्थाएं और परिस्थितियां बदल जाती हैं, परंतु परमेश्वर कभी बदलता नहीं। कल, आज और सर्वदा यीशु एक जैसा है। धीमी और सीमित बुद्धि के लिए यह समझना कुछ असंभव है। बाइबल बताती है कि ऐसा कोई समस्या नहीं था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति न हो। वह आदि में था और अभी भी है। उसका आदि और अंत नहीं, वह अनंत और अपरिवर्तनीय है। यदि बाइबल की प्रेरणा के संबंध में आपके पास कोई समस्या है, वापस जाइए और एक बार फिर इसका अवलोकन कीजिए। आपकी समस्या का आधार है कि आपने अभी तक परमेश्वर को आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यदि परमेश्वर वही है जो वह कहता है कि वह है, तब परमेश्वर जो हमारे लिए चिंतित है और हमारी देखभाल करता है, इसके प्रति कोई समस्या नहीं। सारे राष्ट्रों के प्रति, उसके नियंत्रण के प्रति कोई समस्या नहीं। मनुष्य को प्रेरित कर उनसे बाइबल लिखवाने के प्रति भी कोई समस्या नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, एक बार यदि आप यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर क्या है और कैसा है, तो हर चीज अपनी जगह सही हो जाती है। जब आप परमेश्वर को पहचान जाते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर के कार्यों को समझना अति सरल हो जाता है। अब दूसरा बात, परमेश्वर व्यक्ति है। न केवल बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, जिसे शारीरिक आंखों से नहीं देखा जा सकता और शारीरिक हाथों से स्पष्ट न किया जा सकता, परंतु बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर एक व्यक्ति जैसा है। बाइबल में हर जगह हम यह पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कार्य करता है। प्रत्येक विशिष्ट गुण जो हम एक व्यक्ति में देखते हैं, वह परमेश्वर में भी है। एक व्यक्ति वह है जो अनुभव करता है, इच्छा करता है, कामना करता है और व्यक्तित्व के सारे गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक स्थान पर व्यक्तित्व को शरीर की सीमा में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस पृथ्वी पर हमारा व्यक्तित्व शारीरिक
सीमा में हैं। आप एक अमर आत्मा हैं। किसी दिन आपका व्यक्तित्व आपके शरीर को छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर शरीर में बांधा हुआ नहीं है, परंतु वह एक व्यक्ति है। वह अनुभव करता है, वह सोचता है, वह प्रेम करता है, वह क्षमा करता है, वह हमारे प्रति सहानुभूति करता है। तीसरा, परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। बाइबल न केवल इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर व्यक्ति है, अपित परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर स्वयं को एक पवित्र परमेश्वर के रूप में प्रदर्शित करता है। वह श्रेष्ठ है और पूर्ण है। इस पापमय जीवन का सामना करने के लिए वह अति पवित्र है। राष्ट्र जिस प्रकार आज जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन आ जाए यदि यह संसार उसकी महिमा युक्त धार्मिकता को किसी तरह देख ले। मनुष्य की धार्मिकता और परमेश्वर की श्रेष्ठ धार्मिकता की भिन्नता को यदि हम देख ले, तो यह हमारे जीवन की शैली को तुरंत बदल देगा। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है कि वह ज्योति है जिसमें किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं। बाइबिल को समझना असंभव है जब तक हम परमेश्वर की पवित्रता को स्पष्ट रूप से नहीं समझ लेते। मंदिर के दो भाग, पवित्र एवं अति पवित्र स्थान ये हैं। स्थान ये ही बताते थे, जब कोई इस्राएली परमेश्वर के निकट जाता था तब उसे कौन सा दान लेकर जाना था। इस बात को भी दबाव के साथ कहा गया था। परमेश्वर और लोगों के बीच एक विशेष याजक की प्रथा का होना भी यही बताता था। अपवित्रता के विषय में जो शिष्टाचार के नियम थे वह भी यही दर्शाते थे। इसराइल के अनेक उत्सव भी यही कहते थे। परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर के अन्य सारे गुणों को निश्चित कर देती है। पवित्र शास्त्र यह घोषणा करता है कि उसकी पवित्रता के आधार पर ही उसका सिंहासन स्थापित है। परमेश्वर और पापी के बीच एक चौड़ी दरार है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र शास्त्र कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। न केवल पापी परमेश्वर से अलग हुआ है, परंतु परमेश्वर पापी से अलग हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अतः पाप से उसका कोई भी संबंध नहीं हो सकता। पाप के आने से पहले मनुष्य और परमेश्वर की एक दूसरे के साथ संगति थी। अब क्योंकि वह संगति टूट चुकी है, अतः एक पापी का परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाना असंभव है। केवल यीशु के द्वारा ही यह संभव है। मनुष्य जाति पाप रहित नहीं हो सकती, जो कि परमेश्वर के पास जाने के लिए आवश्यक है। इसी कारण यीशु हमारे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और पाप श्राप शैतान से छुटकारा किया, कि एक बार फिर से परमेश्वर से हमारा संबंध जुड़ सके। यीशु की मृत्यु का कारण भी परमेश्वर की पवित्रता में है। परमेश्वर की पवित्रता जो पाप का दंड चाहती है, उसे अपने प्रेम द्वारा यीशु में पूरा कर दिया। हमारा परमेश्वर पवित्र धार्मिक और शुद्ध है। वह हमारे पापों और दुष्कर्मों को सहन नहीं करेगा। हमारा घमंड, धन के प्रति हमारा प्रेम, हमारी लीला कीड़ा, हमारा गपशप करना, हमारा अपशप कहना परमेश्वर कब तक सहेगा। यदि परमेश्वर दयावंत न होता और यदि उसने दुख न उठाया होता, तो हम सब लोग जो परमेश्वर को भूल चुके हैं पल भर में दंड पा चुके होते हैं। चौथी बात, परमेश्वर प्रेम है। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के इस गुण को गलत समझा है। परमेश्वर प्रेम है, इस बात का यह अर्थ नहीं है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध चलें। जो परमेश्वर नहीं चाहता है वह करें और परमेश्वर आपको दंडित न करें, प्रेम करता रहे। पवित्र बाइबल कहता है, मनुष्य के अपराधों को तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के साथ अपराध करता है उसके अपराधों को क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर की पवित्रता चाहती है कि सभी पाप को दंडित किया जाए।
परंतु परमेश्वर के प्रेम ने पापी मनुष्य के छुटकारे और उद्धार के लिए एक योजना दी है। परमेश्वर के प्रेम ने यीशु की क्रूस हमारे लिए दी है, जिसके द्वारा हमें क्षमा मिल सकती है और हम शुद्ध हो सकते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम ही था जिसने यीशु को क्रूस पर भेजा था। कौन परमेश्वर के प्रेम का वर्णन कर सकता है और उसे माप सकता है? हमारी बाइबिल इस बात को प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर प्रेम है। जब हम न्याय का प्रचार करते हैं, तब यह न्याय प्रेम से मिश्रित होता है। जब हम धार्मिकता का प्रचार करते हैं, तब इस धार्मिकता की नींव प्रेम पर होती है। जब हम मेल मिलाप की प्रचार करते हैं, तब इस मेल मिलाप में प्रेम आवश्यक है। जब हम यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं, तब हम प्रेम के चमत्कार के विषय में प्रचार करते हैं। जब हम यीशु के दूसरे के आगमन का प्रचार करते हैं, तब हम प्रेम की पूर्णता का प्रचार करते हैं। चाहे अपने ने कैसे भी पाप क्यों ना किया हो, चाहे वह कितनी ही गंदा, शर्मनाक और भयंकर क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आप नरक के द्वार पर ही क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम करता है। यह परमेश्वर का प्रेम है जिसके कारण हमें भविष्य के जीवन की आशा है। हमारा परमेश्वर धन्यवाद हो कि वह प्रेम है, क्योंकि वह एक पवित्र परमेश्वर है। इसी कारण पापों ने हमें उससे अलग कर दिया है, परंतु उसके प्रेम के कारण एक उद्धार का मार्ग है। उसके पुत्र यीशु के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मारा। परमेश्वर का यह प्रेम अनंत है, यह नापा नहीं जा सकता, इसमें कोई त्रुटि नहीं। परमेश्वर का यह प्रेम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाता है, चाहे वह व्यक्ति कहीं पर भी हो। इस प्रेम को ठुकराया भी जा सकता है। परमेश्वर हमारी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक नहीं आएगा। आप परमेश्वर के प्रेम के विषय में यह सब कुछ पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं, नहीं, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करना अब आपके ऊपर है, उसे ग्रहण करना अब आपके ऊपर है। अब आपको स्पष्ट और सकारात्मक निर्णय लेना है और परमेश्वर के प्रेम में स्वयं को समर्पित करना कर देना है, क्योंकि अन्य व्यक्ति आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर के प्रेम के प्रचार को सुनाने के बावजूद भी वह सकता है। बिना यीशु के ग्रहण किए आपकी मृत्यु हो जाए, अथवा आप आज अपना हृदय खोलिए और कहिए, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा, आज मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। धन्यवाद।